अरे दोस्तों यार भाई, कोहली का जलवा और किशन का आतंक और इन दोनों की बल्लेबाजी के आगे पूरी बांग्लादेश टीम के फैल गए पंख। अरे साकिब यार भाई, और बताओ कैसा लगा इनका जलवा? अरे हमने तो पहले ही कहा था, जब आ जाएगा टीम में ईशान किशन तो तुम्हारे खिलाफ जरूर बनाएगा 210 रन। अरे रहनी दो रोहित यार भाई, काय के लिए झूठ बोल रहे हो यार? भैया तुमने हमसे कब कहा था ईशान किशन रन बनाएगा 210? अरे जब रन बना दिए 210 तब जाके कह रहे हो। देखो भाई, भले ही हम मैच हार गए लेकिन यार भैया सीरीज तो हम ही जीते हैं, और एक मैच हारने से कुछ नहीं होता है, समझे? अबे ओ फटे हुए पजामे की नलायक अम्मा, अबे ससुरी के तुम सीरीज क्या जीत के? अबे अगर हम चाहते तो तुम सीरीज जीत लेते। ये तो शुक्र करो तुम हम सीरीज जानबूझ के हार गए, समझे? वरना तुम्हारी औकात थोड़ी है हमको हराने की। अरे रहने दो रोहित भाई, यार भैया काय के लिए लंबी लंबी मार रहे हो? एक तो तुम मैच हार गए लगातार, और भैया ये तो हम गलती से मैच हार गए, हम लोगों ने लुल्ली लुल्ली गेंदबाजी करी जब ही इन दोनों ने रन बना दिए, वरना हमारी गेंदबाजी में है इतनी तगड़ी धार कि तुम फिर से मैच हार जाते इस बार, समझे? अबे ससुरी के नलायको, अबे रोहित भैया थोड़ी मैच हारते, रोहित भैया तो मैच से बाहर ही थे, मैच हारते हम लोग, और हमको हराने का तुम्हारे अंदर नहीं है दम, क्योंकि तुम लोगों के ओरिजिनल बाप हैं हम, समझे? अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे किशन यार भाई, तुम खिलाड़ी नहीं खिलाड़ा हो, और भैया खिलाड़ा होने के साथ साथ तुम शायर भी हो। अरे बताओ क्या बेहतरीन शायरी मारी है, कसम से यार भैया, इधर तुम्हारी शायरी उधर तुम्हारा जलवा बैटिंग करके आए हाय, कसम से यार भैया हमारे पास तो तुम्हारे लिए शब्द ही नहीं है। अरे रोहित भैया यार भाई, तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? अबे ये तो हम मैच जानबूझ के हार गए, वरना हमको हराने का किसी में दम नहीं है, समझे? अबे हमारे घर में जीतते हैं हम, और हमारे घर में हमको हराने का किसी में नहीं है दम, समझे? अरे साकिब यार भाई, तुम काय के लिए बकवास कर रहे हो बेफालतू में? हमको लगता है तुम्हें कल की कुटाई पसंद नहीं आई। देखो भैया, अगर तुमको कल की कुटाई पसंद नहीं आई तो एक दो T20 के मैच और रख लो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे अपना जलवा, और तुम्हारी पूरी टीम का हम अकेले ही बना देंगे हलवा, समझे? अरे किशन यार भाई, रहने दो, काय के लिए लंबी लंबी फेंक रहे हो? अबे हमको पता है तुम्हारा बल्ला चला है आज टुक्के से, और हमको बार बार चिढ़ाओगे तो हम कुटाई कर देंगे तुम्हारे मुक्के से, समझे? अरे किशन यार भाई, चुपचाप काय के लिए बैठे हो? अबे हम तो कहते हैं मारो ससुरी वालों को, अबे नलायक को तुम हमारी कुटाई करोगे? अबे तुम्हारा हमसे लड़ना भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो हमारा बेटा है वो तुम्हारा बाप है, समझे? अरे वाह भाई वाह, अरे कोहली यार भाई तुम सचमुच किंग हो, कसम से यार भाई मजा आ गया, चाहे किसी भी फील्ड में हो, शायरी मारने के मामले में, लड़ाई करने के मामले में, क्रिकेट खेलने के मामले में आए है, कसम से यार भैया जलवा है तुम्हारा जलवा। अरे रोहित भैया यार भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अबे अभी के टाइम पर है कोहली भाई का जलवा, और कोहली भाई के बाद हो जाएगा ईशान किशन का जलवा। और साकिब यार भाई, तुम एक बात हमारी सुन लो, जो तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं करेगा वो काम ईशान किशन करेगा, और आज के बाद बांग्लादेश का बच्चा बच्चा किशन के नाम से डरेगा, समझे? अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब किशन, बहुत सुंदर। अरे तुम खिलाड़ी नहीं, तुम हो टीम इंडिया के स्पेशल खिलाड़ा, जिसने अकेले ही तोड़ दिया बांग्लादेश की पूरी टीम का पिछवाड़ा, कसम से यार भैया मजा आ गया तुम दोनों की बल्लेबाजी देख के। अरे दोस्तों यार भाई, तुम ही बताओ विराट कोहली और ईशान किशन में किसने टॉप बल्लेबाजी करी, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना, ठीक है?